भगत सिंह देश सेवा में मौत की झूल पे झूला चढ़ा फांसी के तख्ता पर दहेली मैं निशानी है मनुष्य कर काम जो करना ये दुनिया आनी जानी है। नमस्कार, हमारा कानून की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस कानून पर हम बात कर रहे हैं वो एक नहीं तीन कानून है, तीन ऐसे कानून जिससे देश की कम से कम 60% जनसंख्या सीधी सीधी प्रभावित होती है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ तीन किसान संबंधित कानूनों को जिस पर पूरे देश में आज हल्ला मचा हुआ है। ये वीडियो भी हम बना रहे हैं दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे NH 48 से। तो लोगों से मैंने बात करी और समझने की कोशिश करी कि इन कानूनों में आम लोगों को क्या तकलीफ नज़र आती है। इन तीनों कानूनों को मैंने पढ़ा भी और मैंने सोचा कि आम लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये तीन कानून क्या कहते हैं और लोग जो इन कानूनों को काला कानून कह रहे हैं वो इन तीनों कानूनों का क्यों विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये जो तीन कानून हैं, जल्दी से मैं पहले आपको इनका नाम पढ़ देती हूँ। काफ़ी भारी भरकम नाम है लेकिन नाम तो हमें पता होना चाहिए। पहला है आवश्यक वस्तु संशोधन, एसेंशियल कमोडिटीज़ में अमेंडमेंट किया गया है। दूसरा है किसान उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा, और तीसरा है किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा करार। देखिए, नाम के बारे में चिंता मत करिए, यदि याद रखना है तो ये याद रखिए कि तीन कानून है। पहला एसेंशियल कमोडिटीज, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है, और तीसरा जो है वो बहुत सारी बात करता है जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की भी बात करता है। लेकिन क्या जो कानून का नाम कहता है वो वाकई में कानून करता है? तो अपना मत देने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि तीन कानून कहते क्या है। एक एक करके इन तीनों कानूनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला जो कानून है एसेंशियल कमोडिटीज, इसमें ये कहा गया है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी लिस्ट में से कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है। प्याज, आपका आलू, तेल, दालें, इन सबको हटा दिया गया है। और अब सरकार ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जितना भी चाहे गोदाम भराई कर सकता है, मतलब इन सारी चीज़ों को स्टॉक कर सकता है। पहले कानून था क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि सबको इनका उपयोग करना होता है, तो यदि लोग अपना गोदाम भरने लगेंगे तो समस्या आ जाएगी, इनकी कहीं ना कहीं कमी पड़ जाएगी, और यदि कमी पड़ती है तो डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो बिगड़ जाएगा। लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि जब तक इन सारी चीज़ों का 100% मूल बढ़ ना जाए, या जब तक नॉन पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स मतलब वो जैसे सब्जियां जो जल्दी से खराब हो जाती हैं, नॉन पेरिशेबल गुड्स मतलब जो खराब नहीं होती हैं। तो जब नॉन पेरिशेबल गुड्स की बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि नॉन पेरिशेबल गुड्स की जो कीमत है यदि वो 50% से बढ़ जाएगी, या तब जैसे आलू हुआ या प्याज हुआ, इनकी कीमत जब मार्केट में 100% बढ़ जाएगी तभी सरकार जो है वो कितना इनको गोदाम में भर सकते हैं, कितना स्टॉक कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाएगी। बड़ी सरल भाषा में समझाएं तो ये कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति का जितना मर्जी आए वो अपना गोदाम भर सकता है, ठीक है। अब आप ही सोचिए कि यदि ये एसेंशियल कमोडिटीज पर स्टॉक पाइलिंग के ऊपर कोई कानून नहीं होगा तो क्या होगा? बड़ी सरलता की बात है कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई बढ़ जाएगा। जैसे मानिएगा कि मैं आलू की बड़ी व्यापारी हूँ, अब मेरे ऊपर कोई कानून नहीं लगता इस नए कानून के बाद। इसका मतलब कि यदि मैं चाहूँ कि मैं 1,000 ट्रक आलू पैदा करके अपने बड़े बड़े गोदामों में भर दूँ तो मैं भर सकती हूँ। यदि उससे मेरे गांव में या जहाँ पे मैं आलू की सप्लाई करती थी वहाँ से आलू में कमी आती है और आलू की कीमत बढ़ जाती है तो उसके बाद भी सरकार मेरे पर कोई सवाल नहीं खड़ा करेगी। जल्दी से समझते हैं दूसरा कानून जिसे मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? देखिए, पहली बात ये समझिए कि भारत में जो बड़े किसान हैं जिनके पास 5-10 या उससे ज़्यादा हेक्टेयर की ज़मीन है वो बहुत संख्या में कम है। जो 90% किसान हैं
ये छोटे किसान हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर या उससे भी कम जमीन है। अच्छा, अलग अलग राज्यों में किसानों की जो सोशियो इकोनॉमिक स्थिति है वो भी अलग अलग है। मानिएगा राजस्थान में, जो ज्योग्राफी में काफी बड़ा है, वहां पे किसान ज्यादा गरीब है एज कंपेयर टू बजाय पंजाब के, जहां पे किसान रिलेटिवली थोड़ा इकोनॉमिकली वेल ऑफ है। अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या कहता है कि कोई बड़े पूंजीपति या कॉरपोरेट घराने आ सकते हैं और सीधे सीधे किसान के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जैसे मानिएगा कि मैं पोटैटो चिप्स बनाती हूँ, किसी भी कंपनी की, बड़ी कंपनी की चिप्स जो पैकेट में बिकती है, और मैं गांव में जाऊँ जहाँ पे मानिएगा कि 500 किसान हैं, और वो 500 किसानों को मैं बोलूँ कि आप सिर्फ मेरे लिए ही आलू उगाइएगा, ठीक है, और वो 500 किसान जो है वो उस कंपनी के लिए आलू उगाते हैं। इस आलू की कीमत क्या होगी वो केवल और केवल डिपेंड करेगा किसान के बीच में और कंपनी के बीच में। अभी देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक सिद्धांत है जो कानून में हमेशा एप्लीकेबल होता है कि जो दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उनमें बराबरी होना चाहिए। अब एक तरफ वो गरीब किसान, जिसे मानिएगा भारत में हमें पता है कि आज भी किसानी जो है वो पानी पर निर्भर करती है, यदि पानी अच्छा नहीं हुआ उस साल फसल खराब हो गई और किसान गरीबी स्थिति में है। अभी किसान को लगता है कि यार मेरे को तो कोई भी कीमत मिल जाए मुझे चलेगा, तो क्या बड़ी बड़ी कॉरपोरेट घराने कंपनियां इस चीज का फायदा नहीं उठाएंगी? तो सरकार जो कहती है कि हमने तो मार्केट खोल दिया, तो भारत में हमारी जो स्थिति है, जिस तरह की किसान है, जैसा हमारा परिवेश है, जितना हमारा किसान एवरेज पैसा कमाता है उसके हिसाब से पूरे मार्केट को एक खुले सांड की तरह खोल देना, क्या यह अच्छी नीति है? इस बात पर आप जरूर विचार करिए। अच्छा, जल्दी से आते हैं तीसरे कानून पर। ये जो तीसरा कानून है ये सबसे इंटरेस्टिंग कानून है। अभी तीसरा कानून शब्दों में तो बड़ा जो है फेर करता है, लेकिन ये एक डिटेल्ड प्रोसीजर ले डाउन करता है। ये कहता है तीसरा कानून कि जो किसान है अब मंडियों में अपना सामान नहीं बेचेंगे, अब वो सीधे सीधे किसी भी राज्य में अपना जो उपज है उसको बेच सकते हैं। अब जो लोग किसान बैकग्राउंड से हैं वो तो जानते हैं कि इस कानून के पहले व्यवस्था क्या थी, लेकिन आप जो मुझे देख रहे हैं जिन्हें नहीं पता कि किसान एक्चुअली अपना माल जो है वो खेत से मार्केट में लेकर कैसे आता है, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, बड़ी सरलता से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि इस कानून के आने के पहले व्यवस्था क्या थी। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, हर राज्य में भारत के अलग अलग कानून है। अलग अलग कानून क्यों है? क्योंकि कृषि और व्यापार जो है ये स्टेट लिस्ट का विषय है, मतलब केवल राज्य सरकार ही इस पे कानून बना सकती है। तो पहला सवाल तो ये है कि ये तीनों किसान कानून जिसका अध्यादेश लाया गया 5 जून को और 20 सितंबर को बिना कोई वोट कराए, बिना किसी पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कराए, बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना किसी किसान संघों से, यूनियन से, किसी एक्सपर्ट से, किसी इकोनॉमिस्ट से, किसी पॉलिसी मेकर से, बिना कोई कंसल्टेशन किए, बिना कोई वोट किए इस कानून को पास कर दिया गया। तो सवाल ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्रीय सरकार है, वो राज्य सरकार के विषय पर कानून पास कैसे कर सकती है? तो ये तो एक अलग लीगल मुद्दा हो गया। अच्छा, दूसरी बात, अब राज्यों में व्यवस्था क्या थी कि एपीएमसी, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, बेसिकली एपीएमसी का मतलब है कि मंडी, सरकार एक मंडी बनाती है, मंडी मतलब कुछ नहीं, एक मार्केट समझ लीजिए, जहां पे बीच के ट्रेडर्स आते हैं। अब जैसे मानिएगा कि मैं किसान हूं और मैंने 100 किलो टमाटर की मेरी उपज हुई, मैं इस मंडी में जाऊंगी, मंडी में बोलूंगी मेरे पास 100 किलो टमाटर है। अब अलग अलग लोग जो है वो मंडी में बोलियां लगाएंगे, जिसकी बोली ज्यादा होगी किसान को वो कीमत मिल जाएगी। अब सरकार कह रही है कि मंडी तो चलते रहिएगा, लेकिन आप सीधे जिससे चाहे उससे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ये ट्रेडिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन बना सकता है? कोई भी बना सकता है। तो फिर समझिएगा कि जो पूंजीवादी है, मैं अपने ही व्यक्ति को बैठा दूं कि आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करवाइए फार्मर से, उसकी मिनिमम प्राइस क्या होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं किसान की गरीबी का, उसकी लाचारी का फायदा उठाने का कहीं ना कहीं एक लेजिटिमेट तरीका जो है वो मिल जाता है। तो
अब मंडी जब रहेगी तो, लेकिन किसान जो है वो बाहर भी सीधे व्यापार कर सकता है। तो लोग कह रहे हैं, देखिएगा सरकार कह रही है कि किसान को तो हमने ऑप्शन दे दिया, किसान चाहे तो मंडी चले जाए, किसान चाहे तो सीधे सीधे अपना ट्रेड खुद कर ले। तो एक बात बताइएगा, मंडी में जो लोग बैठते हैं जिन्हें हम ट्रेडर्स कहते हैं, यदि वो ट्रेडर को जब किसान ने अपना माल बेच दिया तो जिस व्यक्ति ने खरीदा वो व्यक्ति उस ट्रेडर को, बीच वाले व्यक्ति को एक कमीशन देता था। अब जब वो ट्रेडर का कमीशन बनेगा ही नहीं तो वो मंडी में बैठेगा क्यों? तो मंडी जो है वो केवल नाम भर की रह जाएगी। ये जो कानून केंद्रीय सरकार ने पूरे देश भर में लागू करने के लिए मुहिम चालू करी है, ये बिहार में पहले ही आ चुका है। और बिहार में किसानों की ये अवस्था है कि जहां पूरे देश में हर क्रॉप के लिए किसान को एक अच्छी कीमत मिल रही है, वहीं बिहार में बड़ी ही कम कीमत मिल रही है, क्योंकि मंडी जा चुकी है, रेगुलेशन जा चुका है, और आपने गरीब किसानों को सीधे सीधे मार्केट के हवाले कर दिया। तो जो लोग कैपिटलिज्म का विरोध करते हैं वो ये समझें कि ये किसान कानून पर जो इतना बड़ा आंदोलन, मेरे ख्याल से स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, वो सिर्फ किसानी कानून की लड़ाई नहीं है, वो एक विचारधारा की लड़ाई है कि क्या सरकार ऐसे कानून बनाएगी जो पूंजीपतियों के लिए हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए हैं, या आम लोगों की अवस्था को, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को देख कर कानून बनाएगी। अच्छा, एक बात और समझे जो मेरे लिए वकील के रूप में सबसे तकलीफदायक है। कानून ये कहता है कि मानिएगा बड़ी पूंजीपति और किसानों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम फला फला आपको प्राइस देंगे। अब बाद में यदि कॉर्पोरेट मुकर जाता है, कॉर्पोरेट ने यदि कहा था कि हम आपको मानिएगा 5,000 रुपये जो है किलो किसी क्रॉप का देंगे, और बाद में कहते हैं कि भाई हमारी कंपनी तो ठप हो गई, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम बैंकक्रप्ट हो गए, तो ये लड़ाई का समाधान होगा कैसे? अब भारत में जो कोर्ट है वो हर व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं। ये कानून कहता है कि इस कानून से खड़े हुए कोई भी कानूनी सवालों के लिए ना तो कोई किसान, ना तो कोई व्यापारी या बिचौलिया, ना तो कोई आम व्यक्ति, मतलब ना तो कोई और वकील, ना कोई एक्टिविस्ट, कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकता। केशव नंदा भारती का नाम आपने सुना होगा, मैं कोशिश करूंगी एक वीडियो बनाने का केशव नंदा भारती जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का लैंडमार्क जजमेंट है, जो ये कहता है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो भारत के संविधान का बेसिक फीचर है। इसका मतलब कि कोर्ट के जुरिसडिक्शन को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन ये कानून बिल्कुल यही करते हैं, ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। तो समस्या का समाधान कैसे करेंगे? यदि कोई समस्या हो गई तो ये कहते हैं कि एक कमिटी बैठेगी, 3 मेंबर कमिटी, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठेगी, और ये कमिटी भी जो है वो कंसिलिएशन का काम करेगी। शब्द कंसिलिएशन समझना जरूरी है, कंसिलिएशन मतलब कि आपसी समझौते से भाई मामले को रफा दफा करो। अब ये मानिएगा कि 500 किसान हैं, 1,000 किसान हैं, जिनको वो कीमत नहीं दी जा रही है कंपनी के द्वारा जो साल की शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार प्रॉमिस किया गया था, क्योंकि कंपनी ने कहा कि भाई इंटरनेशनल कंपनी है हम, या हम नेशनल कंपनी है, हमारी तो कंपनी ही पिट गई, या हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। तो कंसिलिएशन ऑफिस ये कहेगा कि भाई कुछ भी करके जो है वो आप इस समस्या को सुलझाइए। तो ये क्या सीधे सीधे भारत के हर नागरिक के अधिकार का सवाल नहीं है? अच्छा, जो कानून किसानों को सीधे सीधे अफेक्ट करते हैं, क्योंकि किसान जो है वो इस देश में अन्न उगाता है, वो अन्न जो आप और हम भी खाते हैं, तो ये मामला जो है ये सिर्फ किसानों का नहीं है, ये मामला जो है वो है भारत की फूड सिक्योरिटी का, कि यदि हमारा खाना और हमारे जो किसान हैं वो सीधे सीधे पूंजीपतियों के पावर में या कंट्रोल में आ जाएंगे तो क्या आपके और हमारे खाने की कीमत किस प्रकार से लगाई जाएगी? एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। जो लोग मुझे शहर में देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि क्या बारीक चावल खाते हैं या मोटा चावल खाते हैं, ठीक है। आप यदि शहर में हैं तो लगभग 90% चांसेस हैं कि आप पतला चावल खाते होंगे, यदि आप गाँव में हैं तो आप मोटा चावल खाते होंगे। पतले चावल की कीमत मोटे चावल से पूरे भारतवर्ष में कई गुना अधिक है, लेकिन क्या आपको पता है कि पतले चावल की किसान को कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार की तरफ से नहीं मिलती? इसका मतलब जो बड़े बड़े पूंजीपाद हैं, जो बड़े बड़े नामों के अंदर आपको वो पतला चावल बेच रहे हैं, उसकी एक्चुअल कीमत किसान को बहुत कम मिल रही है। तो सारांश करते हैं,
देखिए, किसानों की केवल दो ही मांग है कि सरकार ये कहे कि आपने मार्केट तो खोल दिया, लेकिन ये कंपनी यदि हमारे साथ दगा करती है, हमारे माल को नहीं खरीदती है, तो हम तो किसान हैं, हमने तो माल बना दिया, तो सरकार ये तय करे कि हर क्रॉप की एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, एक न्यूनतम प्राइस हो जिसपे सरकार उस क्रॉप को जरूर ले लेगी। पीछे पूरा जश्न का माहौल है, तो बहुत सारी आवाज है, उसे परेशान मत होइएगा, इसे निकल जाने देते हैं। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डिमांड है, इसमें मोदी जी ने भाषण दिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो रहेगा। अब किसान का सिर्फ ये कहना है कि सारी कानूनी लड़ाई हम जानते हैं कागजी होती है, तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का वायदा है, इसे भी मोदी जी आप कागज पे ले आइए, इसको लीगलाइज कर दीजिए। अच्छा, दूसरी बात, यदि सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दी, अभी तो तय नहीं करी है, यदि तय कर दी, तो किसानों का एक दूसरा और छोटा डिमांड और है कि इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार को ये कहना पड़ेगा कि यदि और कोई आपकी क्रॉप को, किसान की क्रॉप को नहीं खरीदता है, तो सरकार इसे जरूर खरीदेगी। मैं आशा करती हूँ कि इस छोटे से वीडियो में क्या मुद्दा है, व्हाट इज द हार्ट ऑफ द मैटर, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू यू, मैंने सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके क्या सवाल हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारा कानून को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल, कानून हर व्यक्ति तक पहुँचाना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। भगत सिंह देश सेवा में मौत की, झूल पे झूला चढ़ा फांसी के तख्ता पर, दहेली में निशानी है मनुष्य कर काम जो करना, ये दुनिया आनी जानी है।